दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए या फिर किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई एक सबसे आसान तरीका बन गया है। चाहे हमें रिचार्ज करना हो या फिर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो या फिर किसी से पैसे लेने हो, सबसे आसान और इजी यूपीआई आईडी ही होता है। और इसके लिए पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे कई सारे ऑप्शन हैं, भीम यूपीआई भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनसे कि हम इस सेवा को यूज कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। किंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सब सुविधाओं को लेने के लिए, यूपीआई आईडी बनाने के लिए डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का होना ज़रूरी है, तभी आप अपनी यूपीआई आईडी बना सकते हैं। पर अब बीते कुछ दिनों से घोषणा की गई थी आरबीआई की तरफ से कि अब जो है आप आधार से भी अपना यूपीआई पिन बना सकते हैं और सभी काम जो है कर सकते हैं। कई बैंकों की तरफ से ये सर्विस लॉन्च कर दी गई है। हालांकि ऐप्स तो कई सारी हैं यूपीआई की, बट फ़ोनपे ने इस सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिससे कि आप जो है बड़ी आसानी से अपने फ़ोनपे में आधार यूपीआई बना सकते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए और बैंक से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आप बड़ी आसानी से अपना यूपीआई पिन बना सकते हैं, डेबिट कार्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसे आप अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं आधार कार्ड से, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर वैसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ़ोनपे में आधार से यूपीआई आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सर्च कर लेंगे फ़ोनपे। ये मैंने फ़ोनपे सर्च कर लिया है, मेरे में ओपन लिख के आ रहा है। बट आपका अगर ज़्यादा दिन से यूज कर रहे हैं और अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है क्योंकि ये फ़ीचर अपडेट करने के बाद में ही मिलेगा। अब इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन पे मैंने क्लिक किया है, फ़ोनपे ओपन हो गया है। और उसके बाद में अब आपको आधार से अपना यूपीआई आईडी बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ऊपर में बाई तरफ जो प्रोफाइल बना हुआ है ये, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं फ़िलहाल मेरा बैंक लिंक है और दूसरी तरफ ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। तो आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको ऐड बैंक अकाउंट ही दिखेगा, और जैसे अगर एक से ज़्यादा अकाउंट लिंक करने हैं तो भी कर सकते हैं। तो ऐड बैंक अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ जो प्लस का आइकन बना हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैंक की लिस्ट आ गई है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी बैंक सर्च कर लेता हूँ। ये मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिंक करके दिखाता हूँ आधार से। तो इस पे मैंने क्लिक किया तो ये अभी वेरीफाई हो रहा है। ये देख सकते हैं मेरा बैंक लिंक हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे नाम और ब्रांच, अकाउंट नंबर सब कुछ लिख के आ रहा है, यूपीआई आईडी भी दिखा रहा है। और उसके बाद अब आपको पिन जो है क्रिएट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीआई पिन एग्जिस्ट फॉर दिस अकाउंट, रीसेट पिन। तो यहाँ पर हम रीसेट पिन पे क्लिक करेंगे। तो रीसेट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। सबसे ऊपर आधार नंबर से, आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक, और दूसरा जो है डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से। तो यहाँ से आधार से होने के लिए ज़रूरी है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो यही सिलेक्ट है पहले से, तो मैं इसी पे प्रोसीड करता हूँ। ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, थोड़ा सा सर्च कर रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि वेरीफाई आधार नंबर, इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, यानी आधार के फर्स्ट 6 अंक डालने हैं शुरू स्टार्टिंग के। तो मैंने नंबर डाल लेता हूँ, ये मैंने आधार के शुरू के 6 अंक डाल लिए हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी, यानी आधार ओटीपी पे नंबर गया है, ओटीपी गया है, तो वो डालना है। और ये इस पर भी आ गया है, तो ये अकाउंट का जो जिस नंबर से हमने फ़ोन पे बनाया हुआ है उसका ओटीपी है, तो दोनों ओटीपी डालने हैं। तो सबसे ऊपर में आधार का ओटीपी मांग रहा है, तो मैं आधार का ओटीपी डाल लेता हूँ। ये मैंने आधार ओटीपी डाल लिया है। उसके बाद जो सही का निशान है इस पर क्लिक करेंगे अपने कीपैड पर, और उसके बाद ये देख सकते हैं इंटर 6 डिजिट बैंक ओटीपी। तो ये बैंक ओटीपी भी मैंने फिल कर दिया है। अब उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करेंगे सही के निशान पे,
तो ये देख सकते हैं आप, सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। अब पिन सेट करने का ऑप्शन आ गया है तो मैं पिन सेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसी पे करेंगे, फिर दोबारा से कंफर्म करेंगे और उसके बाद फिर सही पे करेंगे। और ये देख सकते हैं पेज लोड ले रहा है और ये मेरा यूपीआई आईडी बन चुका है, यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट। तो ये मेरा पिन सेट हो चुका है, अब डन पे क्लिक कर देंगे और अब देख सकते हैं कि मेरा जो है ये बन चुका है यूपीआई पिन। अब यहाँ से मैं बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ और सेंड मनी, पे बिल, सब सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से आप आधार कार्ड से बड़ी आसानी से अपना यूपीआई पिन बना सकते हैं। अभी तक था कि जैसे किसी के पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो वो यूपीआई का यूज नहीं कर सकता था, मनी ट्रांसफ़र और कुछ भी नहीं कर सकते ऑनलाइन का काम, पर अब आधार से यूपीआई बना सकते हैं। तो अब बड़ी आसानी से आप ऑनलाइन के सभी काम कर सकते हैं, चाहे बैलेंस चेक करना हो या मनी ट्रांसफ़र करना हो, कुछ भी कर सकते हैं। यूपीआई कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो बड़ी आसानी से आप इस प्रकार से आधार से यूपीआई पिन बना के कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी फ़ोनपे में ही उपलब्ध है और पेटीएम वगैरह में अभी नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है बट अभी नहीं है। अभी सिर्फ फ़ोनपे पर यह सुविधा उपलब्ध है और अधिकतर सभी बैंकों ने इस सर्विस को चालू कर दिया है आधार यूपीआई के लिए। तो इसलिए आप आराम से यूपीआई पिन, अपना यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।